जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। अपना देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। यूपी की बात करें तो लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी है। हालांकि अभी इस उपचुनाव का कोई कार्यक्रम नहीं घोषित हुआ है, लेकिन दलों के भीतर पहलवानों को चुनने से लेकर चुनावी मुद्दों पर धार रखी जा रही है। इस उपचुनाव की बात सत्ताधारी दल भाजपा से शुरू करते हैं। इन 10 सीटों पर भाजपा के कौन कौन नेता रेस में हैं, इनके नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाई प्रोफाइल सीट करहल की। दोस्तों, यह सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। आंकड़ों की बात करें तो इस यादव बाहुल सीट पर करीब 1.25 लाख यादव मतदाता हैं। अब दूसरे स्थान पर शाक्य तथा तीसरे स्थान पर बघेल और छत्री मतदाता हैं। इस सीट पर फिलहाल भाजपा से अब तक कोई नाम सामने नहीं आया है। दूसरी सीट मिल्कीपुर है। यहां के विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सपा सांसद बन गए हैं। इस सीट पर 3 चुनाव में 2 सपा और 1 भाजपा के खाते में गया है। इस सीट पर भाजपा से 4 नाम चर्चा में हैं, जिनमें पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, चंद्रकेश रावत, बबलू पासी और राधेश्याम त्यागी शामिल हैं। ये चारों नेता मिल्कीपुर के रहने वाले हैं। आइए दोस्तों, अगली सीट अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर बात करते हैं। यहाँ के विधायक लालजी वर्मा के सपा से सांसद चुने जाने पर रिक्त हुई इस सीट पर भाजपा से 4 नाम सामने आ रहे हैं। इनमें पहला नाम अवधेश द्विवेदी, दूसरा पूर्व जिला अध्यक्ष रमाशंकर सिंह, तीसरा पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद और चौथा नाम छोटे पांडे का है। अब अगली सीट अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर भी बात करते हैं। यहाँ के विधायक अनूप वाल्मीकि हाथरस से सांसद चुने जा चुके हैं। भाजपा ने इस बार अपनी सिटिंग सांसद राजवीर दिलेर का टिकट काट दिया था। ऐसे में चर्चा चल रही है कि बीजेपी इनकी भरपाई करने के लिए उनके बेटे सुरेंद्र दिलेर को उतार सकती है। आइए दोस्तों, अब अगली सीट का हाल जानते हैं। गाजियाबाद के विधायक अतुल गर्ग सांसद चुने जा चुके हैं। यहाँ पर भाजपा से 2 नाम आगे होने की चर्चा है। इनमें पहला नाम महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा का है और दूसरा नाम पश्चिमी यूपी भाजपा के पूर्व महामंत्री अशोक मंगा का है। अब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट की कर लेते हैं। यहाँ के विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन चुके हैं। चर्चा है कि भाजपा यह सीट गठबंधन सहयोगी आरएलडी को दे सकती है। अब बात फूलपुर विधानसभा सीट की करते हैं। यहाँ के विधायक प्रवीण पटेल सांसद बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर भाजपा से टिकट मांगने वालों की लाइन लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई नाम सामने नहीं आ पा रहा है। मिर्जापुर की मजगवां विधानसभा सीट से विधायक विनोद बिंद सांसद बन चुके हैं। यहाँ पर भाजपा से सोहन श्री माली का नाम चर्चा में है, लेकिन भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने का दावा कर रही है। ऐसे में चुनाव लड़ेगा कौन, यह समय बताएगा। अब
कानपुर की शीशामऊ सीट की है। यहां से सपा विधायक इरफान सोलंकी 7 साल की सजा पाने के बाद चुनाव लड़ने के अयोग्य हो चुके हैं। इस सीट पर भाजपा के भीतर सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल अभी तक कोई नाम सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन इस बीच कानूनी लड़ाई में इरफान सोलंकी लगे हुए हैं। यदि उन्हें कोर्ट से कोई राहत मिलती है तो आने वाले समय में इस सीट पर चुनाव टल भी सकता है, ऐसी संभावनाएं भी बनती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल दोस्तों, आई इंडिया द्वारा जुटाई गई यह जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।